हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू इन ऑनलाइन क्लासेस। आज सोशल साइंस हिस्ट्री का टॉपिक नंबर 5, लेक्चर नंबर 5 में जो टॉपिक होगा वो होगा जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण, इसमें आप देखेंगे कि 1848 के बाद की जो कंडीशन है वह यूरोप में जो रूढ़िवादी हैं उन्होंने राष्ट्रवाद को, राष्ट्रवाद के विकास में देश में राज शक्ति और राजनीतिक वर्चस्व पर अपना अधिकार स्थापित करने के लिए रूढ़िवादियों ने राष्ट्रवादी भावनाओं का प्रयोग किया, उसका उपयोग किया। इस प्रयास में जर्मन में मध्यम वर्गों के बीच राष्ट्रीय भावनाएं अत्यधिक देखने को मिलती है। जर्मन में मध्यम वर्गों के मन में, मध्यम वर्गों के बीच राष्ट्रवाद की भावनाएं प्रबल थी। 1848 ईस्वी में जर्मन साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को मिलाकर निर्वाचित संसद द्वारा नियंत्रित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया गया। 1848 ईस्वी में जर्मन साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को मिलाकर जो अलग अलग खंडों में विभक्त थे उनको आपस में मिलाकर निर्वाचित संसद द्वारा नियंत्रित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया गया। और इस प्रयास में प्रशा के प्रमुख मंत्री ऑटोमान बिस्मार्क, इनका महत्वपूर्ण और अग्रणी भूमिका है। इसलिए प्रशा के प्रमुख मंत्री ऑटोमान बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण प्रक्रिया का जनक माना गया है। इन्होंने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व किया था और प्रशा के प्रमुख मंत्री ऑटोमान बिस्मार्क ने अपने इस एकीकरण प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए प्रशा की सेना और नौकरशाही की भी मदद लिया, यानी प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद लेते हुए ऑटोमान बिस्मार्क ने जर्मनी की एकीकरण प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम किया। जर्मनी की एकीकरण प्रक्रिया में कुछ घटनाएं हैं, जिसमें पहला घटना जो है ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ 7 वर्षों तक चला युद्ध प्रशा की जीत के साथ समाप्त होता है और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी होती है। अर्थात ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ 7 वर्षों तक युद्ध चला और इस युद्ध में प्रशा की जीत हुई, जिसके तहत जो है एकीकरण की प्रक्रिया पूरी होती है। इसके बाद से दूसरे क्रम में 18 जनवरी 1871 में जर्मन राज्य के शासकों, सेना के प्रतिनिधियों और ऑटोमान बिस्मार्क सहित प्रशा के विभिन्न मंत्रियों की वर्साय के महल में एक बैठक होती है, संधि होती है और इस संधि में काइजर विलियम प्रथम की अध्यक्षता में, यानी काइजर विलियम प्रथम को वहां का शासक नियुक्त किया जाता है और उसकी अध्यक्षता में वहां पर नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की जाती है। तात्पर्य है 18 जनवरी 1871 में इन तमाम लोगों के द्वारा, अर्थात जर्मन राज्य के शासकों के द्वारा, सेना के प्रतिनिधियों जिसका नेतृत्व करने वाले बिस्मार्क हैं, ऑटोमान बिस्मार्क,
साथ ही प्रशा के प्रमुख मंत्रियों ने वर्षाय में ये बैठक किए, वर्षाय के महल में बैठक किए और इस बैठक में कायजर विलियम प्रथम की अध्यक्षता में जर्मन राज्य की घोषणा की गई। इसी क्रम में जर्मनी में मुद्रा, बैंकिंग, कानूनी और न्याय प्रणाली के आधुनिकीकरण पर जोर डाला गया। एकीकरण के दौर में एकीकरण के माध्यम से जर्मनी में मुद्रा, बैंकिंग, कानूनी और न्याय प्रणाली की आधुनिकीकरण के माध्यम से जर्मनी का एकीकरण किया गया। इस प्रकार आपने संक्षेप में देखा कि जर्मनी का एकीकरण जो है इन प्रक्रियाओं के तहत प्रशा के प्रमुख मंत्री आटोमान विश्वमार्ग की अध्यक्षता में नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण किया गया। इसी क्रम में हम इटली की का एकीकरण के विषय में चर्चा करेंगे, जिसके तहत देखा जाएगा कि 19वीं सदी के मध्य में इटली की जो बात है, 19वीं सदी के मध्य में इटली जो है 7 राज्यों में विभक्त था, जिसमें केवल एक राज्य जिसका नाम सार्डिनिया पिडमॉन्ट था, केवल एक राज्य पर ही सार्डिनिया पिडमॉन्ट पर ही इतालवी घराने का शासन था। एक बार पुनः 19वीं सदी के मध्य में इटली जो है 7 राज्यों में विभाजित था और इन्हीं 7 में से एक सार्डिनिया पिडमॉन्ट पर केवल इटली राजघराने का शासन था। इस प्रकार हम इटली के एकीकरण में हम देखेंगे कि इन विभिन्न राज्यों को कैसे एकीकरण किया गया और इस एकीकरण की प्रक्रिया में कुछ प्रमुख लोगों की, व्यक्तियों की योगदान, जिसमें पहला नाम आता है सबसे प्रमुख ज्यूसेपे मेत्सिनी। ज्यूसेपे मेत्सिनी 1830 के दौरान इनका इटली के एकीकरण में अगर देखें तो इनका महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने इतालवी गणराज्य की वो एकीकृत करने के लिए एक गुप्त संगठन का निर्माण किया और इसका इस संगठन का नाम है युवा इटली या यंग इटली, जिसके माध्यम से इन्होंने 1830 में इटली के एकीकरण में अपने योगदान दिए। उन्होंने 2 भूमिगत समाजों का गठन किया, पहला जो है मार्सेल्स में युवा इटली और दूसरा बर्न में युवा यूरोप। इस तरह से हम देखते हैं कि ज्यूसेपे मेत्सिनी जो है एंग इटली के माध्यम से 1830 में इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम एंग इटली के माध्यम से किए। हाँ, दूसरे क्रम में हम देखेंगे जो प्रमुख व्यक्तियों के बात है उसमें काउंटी डी काबूर है। काउंटी डी काबूर एक महान फ्रांसी फ्रांस का शिक्षित फ्रेंच भाषी था, किंतु वह कट्टर देशभक्त था। काबूर 1852 से 1860 तक पिडमॉन्ट का मंत्री था, पिडमॉन्ट का मंत्री जिसने फ्रांस से, फ्रांस और पिडमॉन्ट के साथ चतुर कूटनीतिज्ञ संधि के द्वारा ऑस्ट्रेलिया को पराजित करने में सफल हुआ था। अर्थात काबू फ्रांस से सार्डिनिया पिडमॉन्ट के साथ एक चतुर कूटनीति संधि किया और इस संधि के द्वारा उसने
ऑस्ट्रेलिया को पराजित करने में सफल हो गया। इसके बाद से अगला नाम जो आता है ज्यूसेपे गैरिबाल्डी, ज्यूसेपे गैरिबाल्डी। ज्यूसेपे गैरिबाल्डी इटली के एकीकरण में एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। इन्होंने 1833 में मेत्सिनी से मुलाकात की और यंग इटली के आंदोलन में शामिल हो गए। यानी ज्यूसेपे गैरिबाल्डी 1833 में पिडमॉन्ट में मेत्सिनी से मुलाकात की और उन्होंने उनके यंग इटली आंदोलन में शामिल हो गए। इसके बाद से 1834 ईस्वी में पिडमॉन्ट में एक गणतांत्रिक विद्रोह में भाग लिया और 1854 ईस्वी में इतालवी गुटों को इतालवी राज्यों को एकजुट करने में समर्थन किया था। इस प्रकार से हम देखेंगे इटली के एकीकरण में ये जो प्रमुख तीन व्यक्तियों का नाम है, जिसमें प्रथम है ज्यूसेपे मेत्सिनी, दूसरा है काउंटी डी काओ और तीसरा है ज्यूसेपे गैरिबाल्डी, इन्होंने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद से मार्च 1860 तक पूरे इतालवी राज्यों को मिलाकर के एकीकरण करने के साथ पूरे इतालवी राज्य को मिलाकर पिडमॉन्ट में शामिल कर लिया गया और इटली का एकीकरण किया गया। इस प्रकार आप देखेंगे 1860 ईस्वी तक इटली का एकीकरण विभिन्न प्रक्रियाओं के तहत विभिन्न घटनाओं के तहत किया जा चुका। धन्यवाद। इसके बाद अगले टॉपिक में देखेंगे।